ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद इंस्टीट्यूट गई है, विजिट करके आई है, अपने भाई को एडमिशन दिलवा करके आई है। उसके बाद फिर ये वाला है 321। इतना महंगा आता है बे। हाँ हिट। हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और ये हैं, आपका नाम क्या है भाई? अरूप बसक और मुकुलिका बसक। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हैदराबाद में जॉब करती हैं और बहुत ही सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये इनके भाई हैं, यहाँ पे आए हैं बेसिकली नेटवर्कर्स होम ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, आज ही एडमिशन लेकर के आई हैं। हमसे करीब, मुझे लगता है 2 महीने पहले आपने बात की थी ना, 2 महीने पहले बात की थी हमसे, कंसल्ट किया कि कैसा है क्या है यहाँ के बारे में, पूरा डिटेल लिया। और ये भाई CSE इंजीनियर है। पहले तो हमने एडवाइस किया था कि भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपकी ऑलरेडी आपकी बहन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन ये भाई बोले कि नहीं, मुझे कोडिंग पसंद नहीं है। उसको जो पसंद होता है वो उसी के लाइन पे तो जाए। ये अब इसको कोडिंग पसंद नहीं है तो ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे अब नेटवर्किंग में जाना, उसके अंदर थोड़ी कोडिंग कम होती है। तो इसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ज्वाइन किया है। और आपका फ़ीस कितना लगा है भाई? 90,000 लगा है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। तो आपको ठीक लगा इंस्टीट्यूट? आप खुद जा करके विजिट करके आई हैं? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद इंस्टीट्यूट गई है, विजिट करके आई हैं, अपने भाई को एडमिशन दिलवा करके आई है, और ये सेटिस्फाइड है। अब आने वाले टाइम में 4-5 महीने में इनका रिजल्ट अब पता चलेगा, और देखेंगे कि इनको प्लेसमेंट कितने तक का लगता है। मुझे जहाँ तक लगता है भाई, अगर थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस अगर इनके अंदर रहा, अच्छे से अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया, तो 5 तो इजीली क्रॉस करेंगे ये पैकेज में। होपफुली इसको तो मिल जाए अच्छे पैकेज में, ये मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ मिल जाएगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक है शाही ब्लॉक की तरफ से कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाओ। जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा एक बार जरूर मुझे बताना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर पार्टी भी दे देंगे। चलिए, ये दोनों वेस्ट बंगाल से आई हैं और हमारी सब्सक्राइबर हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि इतने पढ़े लिखे लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये हमारे लिए प्राउड बात है, बहुत प्राउड होता है, बहुत खुशी होती है कि पढ़े लिखे लोग हमारे सब्सक्राइबर्स के लिस्ट में, हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं। ये बहुत कम होता है ऐसा। हाँ ये तो है, आप लोग जितना सब्सक्राइबर इंक्रीज करोगे उतना सबके लिए हेल्प होगा, स्टूडेंट गार्जियन सबके लिए हेल्प होगा। तो आप लोगों को अगर हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है हमारा काम। और अगर आपको भी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है बैंगलोर से रिलेटेड स्पेशली, और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे DM करो, इंस्टाग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, जाइए वहाँ से फॉलो कीजिए हमें, और आप मैसेज कीजिए, हम बहुत ही सबको रिप्लाई देते हैं, आपको भी देंगे, इनको भी दिया था। कोई दिक्कत हुआ कभी ऐसा हुआ है कि रिप्लाई नहीं आ गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता, हर किसी को रिप्लाई देते हैं। एक एक दिन में हम 50-50 लोगों को रिप्लाई देते हैं, हम कोशिश करते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि थोड़ा टाइम लग जाता है, पहले तो बहुत क्विक रिप्लाई जाता था सबको, अब ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबको रिप्लाई देते हैं। तो ज़रूर से फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं दीदी से, और दीदी IBM में जॉब करती है हैदराबाद कैंपस में, और बहुत सारा चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा स्पेशली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हायरिंग से रिलेटेड। 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है, तो कुछ शेयर करिए आप। चल रहा है, सही से चल रहा है, ग्रोथ MNC का पता ही होगा कि ग्रोथ ज़्यादा है, सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं सब कुछ का। हाँ एक प्रॉब्लम है कि शिफ्टिंग एक प्रॉब्लम है, किसी किसी को शिफ्टिंग ड्यूटी में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी किसी को नहीं होता है, मैं वो मैनेज करना पड़ता है। एज अ प्रेशर जो ज्वाइन करते हैं उन लोगों को थोड़ा प्रेशर। आप डायरेक्ट IBM में ही प्लेस हुई थी? कॉलेज से ही? अब तो मेरा कैंडिस लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, अब अंदर की बातें हम ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ। हो सकता है दिक्कत हो जाए। हम आगे मतलब किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी इनसे पूछ लेंगे पर्सनली। आज आए थे हम लोग DMart और थोड़ा बहुत सामान लिया है,
कोल्ड ड्रिंक्स आप देख सकते हो, हम डाइट पे हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो मेहमान हमारे आते हैं डेली डेली विजिट करते हैं, दो तीन चार लोग आ ही जाते हैं, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक है और कुछ हमने बेकरी का बिस्किट भी लिया है और बाकी का डाइट का सामान है, पनीर है, योगर्ट है और कुछ ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक या जूस वूस और कुछ हल्का फुल्का घर का सामान है। तो ये उतना ज़्यादा सामान लग नहीं रहा है, देखो कितना कम सामान है, पूरा फुल भी नहीं है। और इसका बिल देखो क्या आया है, इसका बिल आया है 5,000 रुपये, 49 रुपये कम, 49 रुपीज़ कम, ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़, 4,951। तो आज हम जाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि गलत बिल बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सा सामान बाय वन गेट वन फ्री होता है, ऐसा तो नहीं वो दोनों का जोड़ देता है, हमको ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे, कई बार हमको ऐसा महसूस हुआ या फिर दाम सबका रेट ज़्यादा हो गया है या फिर कुछ हिसाब किताब में प्रॉब्लम है। अगर नहीं होता है या फिर तो फिर सामान ज़्यादा कीमती है हमारा, नहीं नहीं सामान अगर करेक्ट आता है ये तो फिर सामान हमारा ज़्यादा महंगा है, महंगाई बढ़ गई है इतना सामान 5,000 का, और ये हमारे डेली यूज़ का सामान है। लेकिन हाँ मेरी डाइट भी महंगी है साकिब, ट्रॉली खाली हो गई है और सामान पैक हो गया है, 5,000 का सामान। अब इसको रखेंगे बाइक पे, एक आदमी चलाएगा, एक आदमी लेके बैठेगा, दो झोला एक के ऊपर एक, और चलेंगे हम। अभी और क्या लेना है, अभी और हम लोगों को अंडा लेना है एक ट्रे और एप्पल लेना है जो हमारे डाइट में है, तो एप्पल ले लेंगे, अंडा तो नहीं ले पाएंगे आज, एक दर्जन ले लेंगे उसी से काम चलाएंगे, कल ट्रे वाला लेंगे, क्योंकि इतना सामान लेने के बाद अंडा भी लेके बैठना पॉसिबल नहीं है, तो अंडे का जो है ना भुर्जी बन जाएगा, उसका पूरा लीक हो जाएगा। दो बार 30 किया, हाँ, फिर उसके बाद फिर डालो 190, 3 बार 60 है, अच्छा 3 बार 60 है, फिर उसके बाद फिर ये वाला है 321। इतना महंगा आता है बे, हाँ हिट, हाँ एक मिनट 321 के बाद फिर ये वाला आ गया तुम्हारा 515, ठीक हो गया, कितना हुआ टोटल, टोटल हो गया, वो पाउच जोड़ा है सोप वाला स्किन, वो हैंड वॉश वाला, हाँ भाई 30-30 दो बार जोड़े ना, हाँ 6,055 रुपये आया, अच्छा यहाँ पे कितना दिखा रहा है हमको, 1,138 रुपये, अगर हम माइनस कर दें इसमें 1,138 रुपये, हाँ। माइनस 1,138 रुपये तो 4,917 रुपये हुआ, 917 रुपये, हाँ ठीक है, लिए हम लोग से लिया है 4,951 रुपये, कहीं तो कुछ तो भाई गच्चा लगा है हम लोगों को, छोड़ हमको लगता है वो जो एक पे एक फ्री वाला होगा वहाँ पे कुछ इधर उधर हुआ होगा, हाँ हो सकता है ना, चलो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ सही आया है। ऑलराइट गाइस, तो आज तो काफ़ी सारा काम हो गया हम लोगों का, वो दीदी भी आई थी अपने भाई को लेकर के नेटवर्कर्स होम में, एडमिशन भी दिला दिया, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करके भी आ गए हैं, उसका हिसाब किताब भी कर लिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा मतलब 20-25 रुपये का जो है इधर उधर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कहीं टैक्स वैक्स का इधर उधर कट गया होगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कैसा लगा, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।